नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती कार पर लेटकर सफर, वीडियो भी बनाया। एक रूसी इन्फ्लुएंसर ने सड़क पर कार के साथ ऐसा करतब दिखाया कि लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। हालांकि उसकी इस हरकत ने उसे मुश्किल में डाल दिया। बीच सड़क कार में खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं ये पूरी मामला। दरअसल रूसी इन्फ्लुएंसर डेनिल माइसन निकोव का तेज रफ्तार कार में खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है। सड़क पर किसान करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती कार में डेनिल अंदर नहीं बैठा था, वह तेज रफ्तार से दौड़ती कार में बाहर लेटा हुआ था। इसके लिए उन्होंने टेप और रस्सी का सहारा लिया था। टेप के सहारे उसने अपने पूरे शरीर को कार से बाहरी हिस्से से बांधा रखा था। एक तरफ कार का हवा से बातें कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कार की बॉडी पर डेनिल बाहर की ओर से लेटा हुआ था। इस वीडियो को रूसी इन्फ्लुएंसर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इंस्टाग्राम पर डेनिल के करीब 8 लाख फॉलोअर्स हैं। वीडियो को अपलोड किए जाने के बाद इसे अब करीब 2.5 लाख लोग देख चुके हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे डेनिल कार में खुद को टेप से बंधा रखा है। उसने अपने दोस्तों को सड़क पर 112 मील प्रति घंटे के रफ्तार से गाड़ी चलाने को कहा था। हालांकि यातायात सुरक्षा अधिकारियों को जैसे इस वीडियो को बारे में पता चला, उन्होंने घटना की जांच करते हुए शुरू कर दी। वीडियो में डेनिल पीले रंग की स्कोवा कामारो कार के बाहर रस्सी और टेप से बंधा रखी दे रहा है।